हेलो दोस्तों, तो आ चुका है एक और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हमारे पास, जो कि है IDFC का क्लासिक क्रेडिट कार्ड, जो कि ये लाइफ टाइम फ्री मिलेगा और इसमें कुछ फीचर्स मिलेंगे। तो इसका ये एनवलप है जो आज आया है हमारे पास, ये ऐसा था, इसको यहाँ से ये सील आएगी, तो ये मैंने ब्रेक किए और उसके बाद अंदर जो आता है, अंदर ऐसा एक आता है कार्डबोर्ड का, ये देखिए ऐसा। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा, यहाँ से ये सेंटर में होगा आपका कार्ड और इधर ये कुछ इसमें जो रिवॉर्ड्स के बारे में बताया है, जो वेलकम बेनिफिट है, और इस तरफ कार्ड को कैसे कंट्रोल करना है, और इसके पीछे है जो इसके जो फीचर्स हैं कुछ, जैसे कि जो मूवी पे डिस्काउंट मिलेगा 25% ऑफ अप टू 100 रुपी, और जो कि मंथ में एक बार मिलेगा पेटीएम पे। इसके अलावा आपको एमरजेंसी रोड साइड असिस्टेंट मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलेगा इसमें 2 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट, और अगर आपका कार्ड अगर खोता है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये तक का आपको ये लाइबिलिटी कवरेज मिलेगा। और इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉज एक्सेस भी मिलता है, जो कि 4 है पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के अंदर आपको 4 बार आप जा सकते हैं। और अगर आप कोई एड ऑन कार्ड लेंगे तो उस पर भी आपको सेम फीचर आपको मिलेगा, तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये बेनिफिट आप उनका मिल जाएगा। तो आप पर क्वार्टर में 4 आप यूज़ कर सकते हैं रेलवे लॉज, और उसमें आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो कार्ड होल्डर पहले अवेल करेगा तो उसको वो पहले मिल जाएगा, तो आप ऐसे करके 4 यूज़ कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आपका बर्थडे है, या फिर अगर आप 20,000 से ऊपर का अगर आप स्पेंड करते हैं एक बिलिंग साइकिल में, तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 100 रुपये पे एक मिलता है, तो आपको 100 रुपये पे 10x मिलेंगे, मतलब 100 पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है इसमें 25 पैसा, तो आपको 10 इसका मतलब आपको 2.5 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5% आपको कैशबैक मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं और 20,000 से नीचे अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप ऑफलाइन खर्चा करेंगे तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 20,000 से नीचे। और जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी खास बात यह है कि ये कभी भी एक्सपायर होंगे नहीं, ये लाइफ टाइम फ्री है, मतलब लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, तो आप इसे जब चाहे इसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक है उसमें रिवॉर्ड पॉइंट की जो मतलब लाइफ होती है वो 1 साल की होती है, 365 डेज की, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए हमें वो जल्दी जल्दी रिडीम करने होते हैं। इसमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप जब चाहें इसे आप रिडीम कर सकते हैं, जितने भी टाइम के बाद आप चाहें इसे कर सकते हैं। और देखिए ये सेंटर में इसमें आता है कार्ड, अभी तक ये मैंने निकाला नहीं है, तो ये कार्ड सिंपल सा है, इसके नीचे भी देखिए कार्ड का नंबर, लिमिट, और इसमें जो है सब कुछ यहाँ पे डिटेल दी हुई आएगी आपको, नीचे एक और कार्ड आएगा, तो इससे हम निकालते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसके नीचे और अब ये खाली हो चुका है, ये देखिए ये खाली हो चुका है। तो इसके अंदर एक तो आया है हमारा कार्ड, ये आया है कार्ड जिसके ऊपर नाम लिखा है, सिर्फ नाम है, और नीचे लिखा है IDFC फर्स्ट बैंक फैमिली, और पीछे की साइड डिटेल्स होगी जो कि छुपाई हुई है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स सारी मिलेगी, और ये आप देख लीजिए, ये ऐसा पीछे की साइड ऐसा कार्ड होगा। और इसके अलावा आएगा, ये देखिए ऐसा आपके पास आएगा जिसके अंदर लिमिट लिखी होगी, तो मुझे मिली है 1,10,000, क्योंकि मैंने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे लिया था, तो जो पहले कार्ड था उतनी ही लिमिट इसमें मिली है। और जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा एनुअली, अगर आप कोई भी पेमेंट अगर आप डिले करते हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर 42% का एनुअली चार्ज लगेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ये लिखा है सबसे अच्छी चीज़ कि स्टेटमेंट डेट क्या रहेगी, इसमें लिखा है 19th डे ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि बहुत सारे बैंक में ये डेट दी नहीं होती कि कब उसका साइकिल बिलिंग साइकिल क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कि हर 19th को, हर मंथ के 19th को आपका बिल जनरेट होगा, तो ये चीज़ अच्छी है, और मुझे करीबन ये डेट चाहिए थी। और मैं अगर आपका बिल अगर कोई और डेट आता है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे कर रखा है कि मैंने सबके जो बिलिंग साइकिल है वो मैंने सेम कर रखी है, मतलब 16-15, 16-17 ऐसे, ताकि उसके जो लास्ट ड्यू डेट आए वो आए मंथ के स्टार्टिंग में 3-4-5 तारीख को ऐसे,
ताकि मैं सैलरी आती है उसका पेमेंट कर दूँ। तो ये आप भी ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं ताकि डिले ना हो और आपका जैसे सैलरी आए तो आप उसमें सारे पेमेंट एक साथ आप पे कर सकते हैं। ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आप एक साथ सारे बिल पे करें, वरना अगर कुछ टाइम बाद होता है तो आप वो भूल भी सकते हैं पेमेंट करना। तो एक साथ सब बैंक का चेक करके और एक साथ बिना डिले किए और कम्प्लीटली अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आया है, पूरा ऐसे आया था ये फोल्डो के। तो इसके अंदर ये इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और जो इसके ऑफर्स हैं ये सब लिखा है इसमें कि इसमें फर्स्ट आपको 500 रुपये का आपको वाउचर मिलेगा इसमें, जो कि अमेज़न, ऊबर, लाइफ स्टाइल या बिग बास्केट का है। तो आपके अमेज़न तो सब जगह होता है तो इसलिए वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट दिन कार्ड सेटअप करेंगे, उसके बाद आपको 30 डेज़ के अंदर विदिन 30 डेज़ आपको 5000 का स्पेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप 30 डेज़ के अंदर अगर आप EMI में शॉपिंग करते हैं, कोई EMI अगर आप कन्वर्ट कराते हैं, कोई भी आपने बड़ा शॉपिंग किया उसको अगर आपने EMI में कन्वर्ट कराया तो उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा 1000 रुपीज़ तक। बट ये कोई इतना अच्छा कोई ऑफर नहीं है क्योंकि इस पर आपको चार्जेस भी लगेंगे। तो इसमें आप एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं और उसमें आपको जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो सारे शेयर होंगे। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और जिसको आप रेफ़र करेंगे उसको भी 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं और इसकी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये जब जनरेट हुआ मैंने तभी इसका ऐप डाउनलोड कर लिया और कार्ड मतलब डिलीवर हुआ उससे पहले ही मैंने चेक कर लिया कि कितनी लिमिट है और क्या है, और उसको आप फिर आप सेटअप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्ड नंबर डालना होता है तो उसको सेटअप कर सकते हैं। और इसमें सेटअप करने के जो प्रोसेस भी इसके अंदर आपको पूरा दिया हुआ है कि कैसे सेटअप करना है। ये मेरे पास वीज़ा वेरिएंट में है ये कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। अगर आपको इसमें रुपए में चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ी सी ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी और उसके एनुअल फ़ीस भी है 199 प्लस फिर GST है। और बट उसके ऊपर बेनिफिट है कि आप उससे UPI पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास UPI के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड पहले से मेरे पास 2 हैं तो मैंने ये वीज़ा वेरिएंट में लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ लाइफ टाइम फ्री चाहिए था और मुझे जो रेलवे लॉज का एक्सेस है वो मुझे चाहिए था तो मैंने ये कार्ड लिया है। तो मेरा पर्पस ये था। तो आप अपने पर्पस के हिसाब से आप जैसा चाहें आप कार्ड ले सकते हैं। तो इसमें ये कुछ खूबियाँ हैं जो मुझे सही लगी और ये फ्री है और इसमें जो आपको फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप भी ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अगर आप, और इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कहाँ से अप्लाई करना है, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।